अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल जिसका नाम सोशल मीडिया, ठीक है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि Facebook पर जब हम किसी को ब्लॉक कर देते हैं तो ब्लॉक होने के बाद वो बंदा हमारी ब्लॉक लिस्ट में शो होता रहता है। आज की वीडियो में बताऊंगा कि उसको ब्लॉक लिस्ट से कैसे रिमूव या डिलीट कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरखास्त है चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी करना। सबसे पहले आपने अपनी फेसबुक की जहाँ पर सेटिंग होती है आपने अपनी फेसबुक की सेटिंग में चले जाना है। फेसबुक की जहाँ से सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे अब आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे जहाँ पे ब्लॉकिंग का ऑप्शन होता है आपको ब्लॉकिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके जितने भी लोग ब्लॉक किए होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे शो हो रहे हूँ। मैं चाहता हूँ इन सबको मैं यहाँ पे डिलीट कर दूँ, लेकिन जब अगर डिलीट करने लगा हो तो आगे से अनब्लॉक का ऑप्शन आ जाता है और डिलीट नहीं हो पाता। अगर आप इन सबको डिलीट या रिमूव परमानेंटली तौर पर करना चाहते हैं तो आपने इस चीज़ का एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपने यहाँ पे फेसबुक के स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। नीचे जहाँ पे हेल्प एंड सपोर्ट का ऑप्शन होता है आपको इस पर क्लिक कर लेना होगा। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आगे से आपके सामने फर्स्ट में हेल्प सेंड रिपोर्ट ए प्रॉब्लम का एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। आपको रिपोर्ट ए प्रॉब्लम पर क्लिक करना होगा। जैसे मोबाइल यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसको हल्का सा ऐसे फ्लिक करें, आपने इसको बिल्कुल हल्का सा फ्लिक कर लेना है। जैसे फ्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पे कंटिन्यू टू रिपोर्ट ए प्रॉब्लम का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपको इस पर क्लिक कर लेना होगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब आपको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे से इंक्लूड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अब आपको प्राइवेसी वाला सेक्शन सेलेक्ट करना है। इसको जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको वही वाला फॉर्म यानी कि वही वाला स्क्रीनशॉट यहाँ पे अपलोड करना है, यानी कि ब्लॉकिंग वाला जो स्क्रीनशॉट है उसको आपको इस जगह पे अपलोड करना है। यहाँ से मैं इसको अपलोड कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे लिखा है रिजर्व द इशू के क्या आपको मसला है। आपने यहाँ पर अपना मसला कोई भी टूटी फूटी इंग्लिश में अपना यहाँ पर मसला बताना है कि मेरी यहाँ पर फेसबुक फ्रेंड में ब्लॉकिंग में काफ़ी ज़्यादा लोग हो चुके हैं और मैं इन सबको अब रिमूव करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि इनकी रसाई मेरे तक ना हो, लिहाजा इन सबको मैं डिलीट करना चाहता हूं, तो काइंडली मेहरबानी करके मेरी जो फ्रेंड लिस्ट है इनसे जो ब्लॉकिंग लिस्ट है इससे ये परमानेंटली तौर पे रिमूव कर दें ताकि किसी को शो ना हो। इस तरीके से आपने फेसबुक को अपनी तरफ से कुछ लिख के भेज देना है। यहाँ पे मैं भी लिख देता हूँ अपनी तरफ से कुछ की वर्ड। जैसे ही आप ऐड करेंगे उसके बाद कॉर्नर में देख सकते हैं एक सेंड का ऑप्शन है, सेंड रिपोर्ट का। आपको जस्ट सेंड रिपोर्ट पे ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे अभी मैं फ़िलहाल लिख रहा हूँ जैसे ही कि थैंक यू फेसबुक टीम एंड पे आपने लाजमी लिखना है। उसके बाद ऊपर कॉर्नर से इसको सेंड कर दें। जैसे ही आप सेंड करेंगे तो मैक्सिमम 48 घंटों के अंदर अंदर ये जो प्रॉब्लम होती है वो ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा अगर थैंक यू फीडबैक फेसबुक, यानी कि आप 48 घंटों के अंदर आपको ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ये थी दोस्तों आज की वीडियो में, करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।